गाइस एलिस पेरी की बुलेट 6 से टूटा चिन्ना स्वामी की कार का शीशा। WPL में 11वां मैच RCB और UP वॉरियर्स के बीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैच फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना और एलिस पेरी के बल्ले से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जमाए। इस बीच सोशल मीडिया पर एलिस पेरी का एक बुलेट 6 वायरल है, जिससे कार का शीशा टूट गया। टाटा WPL में प्रमोशनल आइटम के तौर पर खड़ी टाटा पंच EV पर मैच के दौरान एलिस पेरी ने छक्का जड़ दिया। पारी के आखिरी ओवर में एलिस पेरी ने छक्का लगाया। उन्होंने 76 गज की दूरी से छक्का मारा और वह सीधे जाकर कार की पिछली खिड़की से जा टकराया। गेंद शीशा तोड़ते हुए टाटा पंच में जा घुसी। टूटा हुआ शीशा देखकर पेरी अपना सिर पकड़ते नजर आए। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने भी अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाया। UP ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। स्मृति आते ही भूखे शेर की तरह UP के गेंदबाजों पर हावी नजर आई। उन्होंने पहले महज 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 50 गेंदों पर 80 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। मैच में एलिस पेरी और स्मृति मंधाना की मजबूत पारी के दम पर RCB का दृष्टिकोण स्पष्ट था। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 198 तक पहुंचाया। इसके अलावा गेंदबाजी विभाग में भी RCB ने अच्छी शुरुआत की है। UP ने महज 63 रन पर दो बल्लेबाज खो दिए। पिछले दो मैचों में RCB को हार का सामना करना पड़ा था। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम में लगातार वीडियो हम आपके लिए वहां पर डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।